हरे कृष्णा। जो भागवत इस बार हो रही है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के उपलक्ष्य में हो रही है, हर साल ही होती है। इस बार 19वीं रथ यात्रा होगी जो कि शिव मंदिर से स्टार्ट होगी और शिव मंदिर में रथ यात्रा होती है। भागवत 7 तारीख से शुरू होगी जो कि उसका कलश यात्रा सुबह 11 बजे शिव मंदिर से लेकर भोटा चौक, नदौड़ चौक, गांधी चौक होते हुए शिव मंदिर विश्राम होकर उसके तत्पश्चात कथा आरंभ होगी। ये कथा का समय 2 बजे से साय 6 बजे तक रहेगा। ये प्रतिदिन कथा इसी धारा से चलती रहेगी। तत्पश्चात 14 तारीख को भगवान जगन्नाथ देव की भव्य रथ यात्रा निकलेगी जो कि आज से 19 साल पहले से चली आ रही है कंटिन्यूस। सेम डे जिस दिन भगवान जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा निकलती है उसी दिन आजकल हमीरपुर में भी 19 साल से निकल रही है। तो मैं आप सबको, जितनी भी भक्त मंडली है, श्रोता मंडली है, सबको मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर आप लोग सब भाग लें और ज्यादा से ज्यादा जन संख्या में आकर भगवान के दर्शन करें। क्योंकि रथ यात्रा में विराजमान ठाकुर जी के बारे में लिखा है पद्म पुराण में कि रथे तु पावनम दिष्टम पुनम जना विद्युति, कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दर्शन करने में जो पुण्य मिलता है उससे पुनः जन्म नहीं होता है, वो भगवान के धाम चले जाता है। इसलिए रथ यात्रा में आना चाहिए। रथ यात्रा का रूट जो होगा वो शिव मंदिर से स्टार्ट होकर भोटा चौक, बस स्टैंड, नदौड़ चौक, गांधी चौक, सब्जी मंडी, उसके बाद फिर बस स्टैंड होते हुए फिर हम लोग नदौड़ चौक और हीरानगर होते हुए पक्का भरो तक पैदल तक जाएंगे। उसके पक्का भरो से जोर सप्पर तक गाड़ियों के द्वारा, फिर जोर सप्पर से दंगड़ी तक सब लोग पैदल भगवान जगन्नाथ को उनके गुणगान गाते गाते दंगड़ी मठ तक पहुंचेंगे। दंगड़ी मठ में भगवान जगन्नाथ रहते हैं, वहीं जगन्नाथ जी का रथ विश्राम होगा। बोल जगन्नाथ भगवान की जय। हरे